वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कोची शिपयार्ड और कितना नीचे गिरेगा, किन लेवल से यू टर्न ले सकता है और नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड को देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब ये इन लेवल्स को टच कर रहा था, ठीक है, ये वाला कैंडल्स बना के ये 2 दिन 3 दिन ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्लियरली बात की थी कि इन पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे ज़्यादा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा एंड होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगेन इसके बाद सेलिंग फिर से हुआ, लेकिन ये सेलिंग बहुत ज़्यादा अगेन गिरा नहीं और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के फिर से यहीं पे पास में संभलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको मोटी मोटा देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये कितनी बार इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग था, अगर इसका फ्लैट ओपन होके ऊपर की ओर ओपन होता तो ये एक्टिवेट हो जाता कैंडल, ऐसा यहाँ पे होता, प्रॉफिट हमारा इतना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के कारण ये एक्टिवेट हुआ नहीं। अगेन सेम उसी तरीके कैंडल हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैंडल बना कहाँ से, अगर आप देखेंगे तो पीछे ये दोनों कैंडल का अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो इन पॉइंट्स के आसपास से ही कहीं से बना है। एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट था ये लगभग लगभग 1375-80 के आसपास था, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से बन के ये इतना ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन जब भी ग्रीन कैंडल बना है एक इतने कैंडल्स के बाद ये ग्रीन कैंडल बन रहा है प्लस इन्वर्टेड हैमर टाइप ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस है अगर ये एक्टिवेट होता है तो अगर इसका हाई यहाँ पे लगभग लगभग हमें 1734 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। 1734 का ब्रेकआउट मिलता है तो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके नीचे का अगर एसएल प्लान करेंगे तो लगभग लगभग इसको अपने ऊपर की ओर का जो लेवल है ये 2000-2102 के आसपास आना चाहिए एंड ये लेवल हम लोगों को टारगेट देके फिर से थोड़ा सा वोलेटाइल होने के बाद यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने के बाद हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट, या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन कर सकता है। तो यहाँ पे एक चांस नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अगेन जब भी देखिए कोई भी शेयर नीचे की ओर गिर रहा है, जब पहली बार पुल बैक करता है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है तब अलग बात है, तब हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे पता चल जाएगा प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड अगर थोड़ा अर्ली करना हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके डब्ल्यू टाइप पैटर्न ढूंढ के फिर यहाँ पे कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना था, फिर गैप अप के बाद ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ, फिर 4-5 दिन के बाद ये इसका जो भी इतना था इसका 1:1 यहाँ पे हम लोग को नीचे की ओर दे दिया है। फिलहाल अगेन एक ग्रीन कैंडल अच्छा मिला है और 2-3 दिन से ये होल्ड करके वेट कर रहा है। हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न, मतलब यहाँ पे सेलर्स को भी एक बार कोशिश कर लेना देना चाहिए। अगर सेलर्स यहाँ पे डिफीट होकर फिर से बायर्स उसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, एक नया लो बनाते हैं जो कि हायर लो और हायर हाई बने, तो फिर हम लोग को सोच सकते हैं इसका या फिर इसका एसएल का प्लानिंग करके। अगेन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं सोचेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और रिवर्सल का प्लान करेंगे, तब हम लोग जब यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो अच्छी क्वांटिटी ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न नेक्स्ट वीक का नज़र आ रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंडे को किस तरीके से इसको ये यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, एक तो यहाँ पे इसका रिसेंट हाई है 1726 के आसपास, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 1784 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये 1800 के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा मंडे के दिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इन लेवल्स के आसपास आते ही इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने लगेगा। अगर नीचे का लेवल अगर आप चेक करेंगे तो नीचे का 1500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को एक नया लो नीचे की ओर देखने को मिलेगा और जैसे हमने 1780 के आसपास का लेवल निकाला है फिर ये लेवल एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस शेयर के अंदर। तो अभी थोड़ा सा चांस नज़र आ रहा है कि ये अगेन ये होल्ड कर रहा है। अगर ऐसे होल्ड के कंडीशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों इन सारे पॉइंट्स को अगर मैच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम लोग को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पे लगभग लगभग 1750 का एक ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम लोग लगभग लगभग ये 1800 के लिए हम लोग सोच पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर आएंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।